हेलो फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑटोकैड का अगर कोई ड्राइंग आपके सिस्टम से डिलीट हो जाए तो आप कैसे उसको रिकवरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में एक DWG फाइल है, तो मैं इस फाइल को जस्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा फाइल है, ओके। तो इस फाइल को जैसे मेरा डेस्कटॉप में ये सेव है, अगर इन केस ये फाइल मेरा डिलीट हो जाता है तो कैसे इसको रिकवरी करेंगे। मैं यहाँ पे इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बैक फाइल यहाँ पे क्रिएट होता है। तो एक इस बैक फाइल से भी हम लोग DWG फाइल बना सकते हैं किसी भी समय। अगर आपका ये बैक फाइल और आपका मेन ड्राइंग फाइल दोनों ही आपका अगर किसी भी कारण डिलीट हो जाए गलती से, तो उस कंडीशन में हम ड्राइंग को कैसे रिकवरी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में वो फाइल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप अपना ऑटोकैड खोलिए। ऑटोकैड खोलने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए OP ऑप्शन। ऑप्शन पे गए। ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे फाइल टैब पे जाइए। फाइल टैब जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका यहाँ पे सिस्टम का एक डिफाइन एक ऑटोमेटिक सेव लोकेशन बोल के एक टैब है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पाथ आपको नज़र आएगा, मतलब आपका ड्राइंग ऑटोमेटिकली इस पाथ में कुछ टाइम के इंटरवल पे सेव होता है। तो आपको क्या करना है, इस जो पाथ है इस पाथ पे आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं मेरा माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं एड्रेस बार में उस पाथ को पेस्ट करके एंटर देता हूँ। तो एंटर देने के बाद देखिए उस पाथ मेरा यहाँ पे ओपन हो गया, जहाँ पे काफ़ी सारा फाइल आपको नज़र आएगा अलग अलग टाइप का। तो उनमें से आपका जो ड्राइंग का नाम था, जैसे मेरा ड्राइंग का नाम कोले था, उस नाम से एक पर्टिकुलर टाइम ए टाइम इंटरवल होता है, और उस टाइम इंटरवल के बाद इस फॉर्मेट पे SV और डॉलर का सिंबल रहेगा, इस फॉर्मेट में एक फाइल मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अगर ऑटोमेटिक सेव ऑप्शन ऑटोकैड में किस इंटरवल पे है, तो उसी इंटरवल पे वो ऑटोमेटिक एक फाइल यहाँ पे सेव करता है। आपको यहाँ पे करना क्या है, इस फाइल को आपको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी, और उसके बाद आप जहाँ पे भी चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं ये डेस्कटॉप में इस फाइल को पेस्ट किया, और ये जो फाइल है इस फाइल का जो एक्सटेंशन है .sv डॉलर का सिंबल, ये पर्टिकुलर जगह को आपको रीनेम करके आपको TWG बनाना है। तो मैं एक्सटेंशन को हटा के यहाँ पे TWG बनाता हूँ, और DWG बनने के बाद ये एक अफेक्ट DWG फाइल बना। अभी इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ड्राइंग आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर ये ऑप्शन से आप अगर आपका कोई फाइल डिलीट हो जाए और आपका ऑटोमेटिक सेव ऑप्शन एक्टिवेट है, तो आप ड्राइंग को रिकवरी कर सकते हैं जो सिस्टम से भी आपका डिलीट हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक सेव ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, मैं फिर ऑप्शन मेनू पे जाता हूँ। ऑप्शन कमांड लिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टैब है ओपन एंड सेव टैब, उस टैब के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक सेव ये ऑप्शन टिक है कि नहीं। ये अगर टिक है उसके बाद आपका एक इंटरवल होता है कि किस कितना इंटरवल के बाद ऑटोमेटिक सेव करेगा। तो यहाँ पे मेरे इस जगह पे एक मिनट के बाद हार्ड ड्राइंग ऑटोमेटिक सेव होता है। तो ये ऑटोमेटिक सेव कहाँ होता है, वो लोकेशन जानने के लिए आप फाइल टैब में जाइए। फाइल टैब जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक सेव फाइल लोकेशन, इस लोकेशन में फाइल सेव होता है। मगर ये आपको किस फॉर्मेट पे सेव होता है, ये फॉर्मेट सेव होता है, अगर मैं फिर से इस पर्टिकुलर पाथ पे अगर चाहता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस फॉर्मेट पे सेव होता है। तो ये आपका इस SV डॉलर के सिम्बॉल में सेव होता है। तो अगर आपका ये ऑप्शन अगर टिक है, बाई डिफॉल्ट नॉर्मली ये ऑटो सेव टिक रहता है,
और इंटरवल हो सकता है कि थोड़ा आपका ज़्यादा इंटरवल पे है, तो जो भी है कि अगर आपका ड्राइंग फाइल डिलीट हो जाता है तो इस जगह से आप अपना ड्राइंग रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो फाइल का एक्सटेंशन रहता है ये डॉलर के सिंबल में वो सेव होता है, अगर वो DWG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपका फाइल कभी डिलीट हो जाता है गलती से तो फिर भी आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। थैंक यू।